मंच को प्रणाम धन्यवाद शिखर आपने मेरी उम्मीद बढ़ा दी कोई ममता नाम की स्त्री हैं जिनको आपने मेरी पत्नी बताया देखिए एक सच्चे दोस्त का यही काम होता है हम शेखर संजय और आपके आसाम के डायरेक्टर जनरल पुलिस ज्ञानेंद हम सब लोग एक ही कक्षा के विद्यार्थी हैं तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि लखनऊ और दिल्ली से इतने दूर एक जगह पर एक बहुत पुरानी कक्षा के चार साथी एक साथ हैं ये बहुत गर्व का विषय है तो मंच को प्रणाम करते हुए देखिए जो खुद आए हैं उनका अभिनंदन जो लाए गए हैं उनका विशेष अभिनंदन क्योंकि शायद यह महती कार्य आज पुलिस बीएसएफ सीआईएसएफ इनको सौंपा गया ऐसा मुझे पता लगा तो एक बात की खुशी है कि ये ऑडियंस कहीं जाएगी नहीं सबसे मुश्किल होता है प्रथम पंक्ति में बैठे हुए जो लोग होते हैं Uh, उनको अगर किसी कवि सम्मेलन में बुलाने तो ये बड़ा कष्टप्रद होता है उनके लिए लेकिन फिर से कहूंगा कि सच्चे दोस्ती ऐसे कष्ट भी झेलते हैं तो ज्ञाने हम लोगों को थोड़ी देर आपको बर्दाश्त करना होगा लोग ही होते हैं शहरों के तारुफ का सबब और लोग ही शहरों को अनजान बना देते हैं बहुत शुक्रिया इतनी खामोशी इस ऑडियंस में है तो एक ऐसा ही खूबसूरत शेर और सुनाता हूं कि तुमको इसी मिजाज का कि तुमको देखा तो एक ख्याल आया तुम्हारी सहेली को देखा तो दूसरा ख्याल आया अब मुझे समझ में आ गया आपको किस प्रकार के शेर पसंद हैं तो वैसे ही सुनाए जाएंगे विश्व हिंदी दिवस पर सभी को बहुत शुभकामनाएं सबको पता है कि जनवरी 1975 में पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया नागपुर में लेकिन हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा ये बात तय हुई 10 जनवरी 2006 को और ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए ये दिवस मनाते हैं लेकिन हिंदी साहित्य के सबसे बड़े व्यंग्यकार बहुत ही विद्वान हरिशंकर परसाई जी के एक व्यंग है, का एक व्यंग है जो मैं जरूर यहाँ पर आ, आ, सुनाना चाहूंगा सिर्फ दो लाइनें। उन्होंने लिखा है कि दिवस तो कमजोरों का मनाया जाता है क्या कहने ज़ोरदार इस बात पर। दिवस तो कमजोरों का मनाया जाता है जैसे महिला दिवस आपने कभी थानेदार दिवस नहीं सुना होगा ये ये मेरी लाइनें नहीं है ये हरिशंकर परसाई जी की हैं देखिए ये बहुत चुभती हुई बात है लेकिन साथ में बहुत संतोष की बात है आप सबको पता होगा कि आज हिंदी विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारत देश में छप्पन सत्तावन प्रतिशत लोग हिंदी लिखना पढ़ना बोलना जानते हैं अच्छा ये जो भी, भी मैं कह रहा हूं ये कविता पाठ के समय में शामिल नहीं होगा तो तो और लगभग 90 प्रतिशत लोग हिंदी समझ सकते हैं अपनी बात अपनी बात को संप्रेषित कर सकते हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं इसलिए ख़ास करके आपदा की स्थिति में आप देखते होंगे कि अरुणाचल और नागालैंड का भी जो हमारा मूल निवासी वहाँ पर है वो टूटी फूटी हिंदी में अपनी बात संप्रेषित कर रहा होता है क्योंकि और कोई जरिया नहीं है इस देश में एक दूसरे से अपनी बात कहने का अंग्रेजी ढाई से तीन प्रतिशत ही लोग इस देश में जानते हैं ये बात हमारे अर्बन एलीट को नहीं समझ में आती लेकिन ये हकीकत है तो यहाँ से बात शुरू करते हैं कि हिंदी इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये एक दिवस नहीं है ये तो सांकेतिक है जब हम ऐसा हम अपने को याद दिलाते हैं कि हमको इसकी सेवा करनी है ये हमारी संस्कृति है भाषा हमारी संस्कृति का का हिस्सा है तो इन उद्गार के साथ मैं हिंदी की कुछ ऐसी बातें कहना चाहूंगा जो कि अपना स्वरूप हर प्रदेश में बदलती है और अगर आप देखें तो जब मैं महाराष्ट्र में एक स्टेशन का निरीक्षण कर रहा था तो वहां पर बाथरूम और उसके बगल में लिखा हुआ था नहाने का घर क्योंकि उन्होंने स्नान घर आ, शायद उनको क्लिष्ट लगता होगा लेकिन जो सबसे गंभीर बात थी और हास्यास्पद भी के बगल में लिखा था मेंस चेंजिंग रूम अब उसका उन्होंने अनर्थ कर दिया तो उसमें लिखा था पुरुष बदलने का कक्ष अगर आप पंजाब में जाएं तो वहां की इसमें सच्ची घटनाएं आपको बता रहा हूं तो पंजाब में एक एडीआरएम डी साहब थे हमारे यहाँ मंडल जो होता है वो डी उसको हेड करता है मंडल रेल प्रबंधक और उसके नीचे नंबर टू होता है उसको एडीआरएम कहते हैं अपर मंडल रेल प्रबंधक अब पंजाब के की देखिए कि जो आ, लोकल हिंदी है तो एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर जो होता है वो राजभाषा अधिकारी होता है मंडल का तो जब उसने अपना नेम प्लेट देखा नाम पट्टिका देखी तो बहुत नाराज़ हुए तो इंस्पेक्टर को बुलाया कि भाई ये हमारा नाम दोनों तरफ अंग्रेजी में लिखा हुआ है एक तरफ तो हिंदी में होना चाहिए तो अब वो भी वीर रस का कवि था वो जो इंस्पेक्टर था और हिंदी का थोड़ा कम ज्ञाता था तो उसने हिंदी में लिख दिया अब शाम को जब ए साहब लौटे तो और आग बगुला हो गए क्योंकि एडिशनल शब्द हिंदी में तो अपर है कहीं पे अतिरिक्त है लेकिन पंजाब में उसे फालतू कहते हैं <laughs> क्या बात है भाई, वाँ 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 वाँ। तो उनका नाम नाम लिखा था उसके नीचे पट्टिका लिखा था फालतू मंडल रेल प्रबंधक <laughs> लेकिन अनजाने में लोग सच बात लिख जाते जी हाँ लेकिन जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि राजकीय कार्य में भारत सरकार ने आज़ादी दी कि हम अपनी जो स्थानीय भाषा है उसके शब्दों को लिखें उसका प्रयोग करें और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो अंग्रेजी के शब्द को भी देवनागरी में लिख करके उसका प्रयोग करना आरंभ करें चलिए अब मैं आपको दो तीन ऐसे कुछ रंग दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं मुक्त कविताएँ लिखता हूँ यानी जिसका कोई सिर पैर नहीं होता ऐसा कहा जा सकता है ख़ास करके चंद्रशेखर जैसे अच्छी गजलें और नज़में लिखने वाले लोग आप सब गांव से जुड़े होंगे ये मुझे पूरा यकीन है तो मैं एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर आपके सामने गांव की रखना चाह रहा हूँ ये भी एक सच्ची तस्वीर है मैं मिथिला से आता हूँ और वहाँ के एक गाँव की आप समझ सकते हैं मेरे गाँव की है कि अब की जब मैं गाँव गया बूढ़े बरगद की छाँव गया बरगद तक का रास्ता बिल्कुल बदल गया था क्या सुंदर! पगडंडी वही पुरानी थी पर उसकी एक निशानी जो एक तालाब था नक्शे से हट गया था नई बस्ती से पूरा पट गया था फूस और खपरेल के झोपड़े अब थे बिल्कुल पक्के गांव की तरक्की देख हम थे हक्के बक्के गांव के हर घर की छत पर तरक्की का एंटीना लगा था हर दरवाजे पर उहदे का एक ठसक टंगा था यह अलग बात है कि जो दरवाजे खुले रहते थे हरदम वो सारे किवाड़ अब बंद थे एकदम घरों के दालान थे एकदम खाली खाली वो कर रहे थे बयां रिश्तों की बदहाली ना किसी आंगन से आती थी हाथ चक्की पीसने की आवाज ना ही सूप फटकने की सुनाई दी कभी कोई साज ना ही सुनने को मिली ओखल मूसल की लय भरी ताल न दिखा किसी पोखर में मछलियों से भरा कोई जाल बहुत सुंदर सर्दियों की सुबह न देखा किसी दालान पर अलाव ना ही कोई काकी दिखी कुंजड़े से करती मोल भाव न किसी ने पहचाना न आवाज देकर बुलाया हाथों से मेरे सामान लेने ना ही कोई दौड़ा दौड़ा आया न बच्चे मिले गलियों में खेलते शोर मचाते हुए न औरतें ही मिली ठिठोली करती या गीत गाते हुए हैरत में था मैं कि क्या ये वही गांव है जहां हमने अपना बचपन गुजारा था जहां हर एक को दूसरे से सहारा था बहुत आज वही गांव क्यों मुझसे इतना बेगाना था कल तक जहां हर घर में बेरोक टोक मेरा आना जाना था लगा कि कुछ कमी सी है मेरी आंख में क्यों नमी सी है क्या खोज रहा था जो मिल नहीं पा रहा था हर एक कदम किसी नई आशंका से डगमगा रहा था सब तो वही पुराने चेहरे थे उनके चेहरों पर क्यों अजनबियत के पहरे थे वाह 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 कोई अपने पन से लिपटा नहीं मुझसे बाहें फैलाकर कोई चिपटा नहीं मुझसे मैं निराश लौट रहा था कि बरगद की लताओं ने मुझको रोका ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने टोका कहीं से प्रश्न हुआ था क्या तुमने गांव को वही अपनापन दिया जिसे तुम्हें पाने की थी आशा फिर कैसे कर रहे थे बिना प्रेम दिए प्रेम पाने की अभिलाषा गांव के सबसे बूढ़े और ज्ञानी अभिभावक बरगद के पेड़ से मुझे मिल गया था दिव्य ज्ञान क्षण भर में ही मिल गया मुझे छद्म अभिमान से निर्वाण कितना सुंदर है भाई वाह अबके थाना है गांव जाऊंगा अब के थाना है गांव जाऊंगा सबके दरवाजे खटखटाऊंगा चूम कर उन सभी के चेहरे उनको कसकर गले लगाऊंगा प्रेम दूंगा और प्रेम पाऊंगा सबके दिलों से दूरियां मिटाऊंगा वाह 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 बहुत शुक्रिया दो चार और कविताएं ऐसी जो मुक्त हैं पिता के ऊपर बहुत कम लिखा गया है माँ के ऊपर बहुत अधिक लिखा गया है मुझे इसमें कोई बैर नहीं है लेकिन पिता के ऊपर एक ऐसी कविता है जो मैंने कई मंचों से पढ़ी और लोगों को पसंद आई और मुझे यकीन है कि आपको भी अच्छी लगेगी स्वागत है बहुत शुक्रिया पिता जताते बहुत हैं कि वे पिता हैं पिता बताते बहुत हैं कि उन्होंने देख रखी है दुनिया पिता दिखाते बहुत हैं कि वे हैं कठोर हृदयहीन और निरंकुश पिता प्रेम करना नहीं जानते पिता अजीब से ही होते हैं बड़े दूर दूर से किंतु पिता घबराते बहुत हैं जब बच्चे लौटते हैं घर देर से पिता परेशान हो उठते हैं जिद पूरी करने को जब बच्चे मचलते हैं छोटी छोटी खुशियों के लिए पिता सो नहीं पाते जब बच्चे जागते हैं रात भर बीमार होकर पिता जादूगर होते हैं वे बन जाते हैं कहानियों की किताबें खिलौने और मिठाइया वे छतरी बन जाते हैं धूप हवा और बारिश में वे बन जाते हैं लाइट हाउस जब बच्चे ढूंढ रहे होते हैं जीवन में रास्ते पिता रोते नहीं है वे ओढ़े रहते हैं एक शद्म अपारदर्शी कवच जिसमें छुपे रहते हैं उनके आंसू उनके दुख वाह जिसमें छुपे रहते हैं उनके आंसू उनके दुख उनका प्रेम उनके सपने पिता में बहुत विरोधाभास होता है कॉन्ट्रिक्शन पिता में बहुत विरोधाभास होता है वे सत्यवादी अनुशासित होकर भी सच बोलना सिखाते वे अनुशासित ना होकर भी वे अनुशासन सिखाते हैं प्रेम न दिखा करके भी वे प्रेम करना सिखाते हैं और कड़ी धूप में सजा देकर अपनी छाया से ढक भी लेते हैं क्या कहने और पिता अपने से भी बड़ा बनना सिखाते हैं पिता रुलाते बहुत हैं जब एक दिन बिन कहे चले जाते हैं कभी न लौटने के लिए पिता को जाने नहीं देना है उनके करीब जाना है और तोड़ देना है उनका छद्म कवच बाहर निकाल लेना है उनके उनका प्रेम उनके आंसू उनका दुख उनके सपने फिर पिता कभी दूर नहीं जा पाएंगे बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद जो लेखक होते हैं मैं समझता हूं कि उनकी जिम्मेदारी है और यहाँ पर कुछ विद्यार्थी भी मुझे दिख रहे हैं तो आपके लिए एक रचना मैं ज़रूर सुनाऊंगा, जो कि हमारे सभी दोस्तों को लखनऊ की लखनऊ यूनिवर्सिटी के गुजरे हुए पलों की याद दिलाएगी लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लिख रहे हैं क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है और दुर्भाग्य से मशरूम्स की तरह लेखक कवि पैदा हो गए हैं और उससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके दोस्तों मित्र उसको लाइक भी करते हैं <laughs> तो अच्छी बात है अपनी सृजनात्मकता को आप एक मुखर रूप देते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन लिखने का की जिम्मेदारी होती है और इसलिए मेरी एक कविता है कि लिखना कब जो यहाँ पर आ, साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं और जो सुधी श्रोता हैं वो मेरी बात से इतफाक रखेंगे तो आप सुने कि लिखना तभी जब तुम महसूस करना तुम लिखना तब जब एहसास करना लिखना जब भी तो वही लिखना जो तू चाहता है लिखना लिखना तभी जब झकझोर दे तुम्हारी अंतरात्मा तुम लिखना तब जब नींद ना आए तुम्हें लिखे बिना जब हो जाओ हताश और बेचैन तभी अभिव्यक्ति की कलम उठाना लिखना तभी जब लिखने का उत्तरदायित्व तो समझ जाना तुम जरूर लिखना लिखते रहना मगर लिखने की लीक पर टिके रहना लिखना ऐसे कि जैसे पानी लिखती है अमिट लिखावट पत्थर बात पर बहुत शुक्रिया लिखना ऐसे कि जैसे पानी लिखती है अमिट लिखावट पत्थर पर तुम ऐसे लिखना कि जैसे कुम्हार लिखता है गीली मिट्टी क्या पर कहने? वा वा वा, क्या क्या कहने बिम है तुम ऐसे लिखना कि जैसे कुम्हार लिखता है गीली मिट्टी पर लिखना ऐसे कि सही चोट करे जैसे झरना करता है चट्टानों पर तुम ऐसे लिखना कि भीग जाए मन जैसे माँ कुछ हो जाता है शिशु का करुण रुदन लिखना ऐसे कि जिससे फर्क दिखे जैसे उजाला कर देता है दिन और रात में फर्क लिखना ऐसे कि जिससे हो जाए परिवर्तन जैसे तटस्थ रहकर भी सूरज बदल देता है मौसम यदि ऐसे लिख सको तो ही लिखना अन्यथा लिखने का सीख है पांच सात मिनट में और लूंगा शेखर मैं समझता हूँ कि एक मैंने वादा किया है अपने विद्यार्थियों से तो खुशनुमा कल बहुत ही खूबसूरत कविता है तो मैं आपको सुनाऊंगा और एक ऐसी कविता जो कि सोशल मीडिया का मैंने जिक्र किया तो वो ये कविता मेरे ही नाम से एक साल बाद मेरे पास व्हाट्सएप में आई जिसमें किसी और का नाम लिखा था <laughs> तो मैं चाहता हूँ कि वो कविता आप जरूर सुने क्योंकि वो बहुत साधारण सी कविता है ऐसा कुछ बहुत नहीं है इसमें लेकिन मुझे अच्छा लगा कि शायद आम लोगों को ये कविता पसंद आई कविता का शीर्षक है गिरवी मैं मन से बड़ा अमीर हूं पैसों से जरा गरीब हूं मैं मन से बड़ा अमीर हूं पैसों से जरा गरीब हूं इसमें बहुत सारे शब्द हैं जिसमें थोड़े फर्क हैं आप देखिएगा कि मैं मन से बड़ा अमीर हूं पैसों से जरा गरीब हूं मेरे साथी बहुत से हैं दोस्त एक आधे से हैं मुझे जरूरत आन पड़ी थी मैंने मदद नहीं उधार मांगा था साथी और दोस्त मुझसे भी गरीब निकले मैं धन से वो मन से क्या कहने क्या भाई साथी और दोस्त साथी और दोस्त मुझसे भी गरीब निकले मैं धन से वो मन से मैंने जेवर गिरवी रखे थोड़ा और गरीब हो गया साथी कम हो गए दोस्त कोई भी न रहा मन साथी कम हो गए दोस्त कोई भी न रहा हाँ मन गरीब ना हुआ मैंने बर्तन भी गिरवी रख दिए अब मेरे पास गरीब होने को कुछ भी ना बचा था क्या बात? मेरे पास सिर्फ आत्मा बची थी जब कुछ न बचा तो मैंने आत्मा गिरवी रख दी अब मैं बहुत अमीर हूँ जब, जब जब कुछ न बचा तो मैंने आत्मा गिरवी रख दी अब मैं बहुत अमीर हूं रुपयों से दोस्तों से साथियों से हाँ मन पहली बार गरीब बहुत शुक्रिया संतोष वा, जी वाह 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 देखिये मैं मिथिला से आता हूँ तो हमें भगवान राम को थोड़ा सा उलाहना देने का अधिकार है जन्म सिद्ध अधिकार है क्योंकि हम उनके ससुराल वाले हुए वो वा अवध के हम मिथिला के तो एक कविता जो कई मंचों से मैंने पढ़ी और ये कविता एक सिर्फ कविता के दृष्टिकोण से इसको देखें किसी अन्य दृष्टिकोण से ना देखें देखिए परिचय ही कराया गया कि अधिकारी हैं तो अगर परिचय कराते कि कवि तो अच्छा लगता अब हम अधिकारियों की दिक्कत विडम्बना यही है कि अधिकारी हमें अधिकारी नहीं समझते कहते हैं अरे वो तो कवि हो गया और जो कवियों की जमात है वो हमें शामिल नहीं करते अरे बोले काहे बात के कवि है तो अधिकारी का रसूल लेके मंच पे आ जाते हैं पढ़ने तो 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 इसको बिल्कुल एक कवि के दृष्टि से देखिए कि भगवान राम को जो मिथिला वासी वो उलाहना दे रहे हैं कि तो तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो तुमने सरेआम सीता की अग्नि परीक्षा लेकर क्या सीता की मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया क्या के? तुम क्या साबित करना चाहते थे क्या जनता की आंखों के प्रश्न भरे वाणों से बचना चाहते थे या फिर कहीं ना कहीं स्वयं को भी आश्वस्त करना चाहते थे माना कि लोगों ने सीता के सतीत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया पर वे तो पर थे तुम्हारा क्या तुम तो अपने थे तुमने भोली जनता को क्यों नहीं समझाया तुम्हारे पौरुष और शौर्य की गाथा तो सबने सुनी थी फिर साहस तुम्हारा कहाँ गया अच्छा तो तुम राजा थे और प्रजा का विश्वास जीतना था समाज में नैतिकता और स्वच्छ आचरण का उदाहरण रखना था माना कि सीता दुश्मनों के पास अधीन रही अकेली रही इसीलिए संदेह के घेरे में आई पर हे राम उसने तुम्हारे सम्मान के लिए अग्नि परीक्षा दी और निष्कलंक सफलता पाई किंतु तुम भी तो सीता की तरह रहे एकदम अकेले और वह भी मुक्त और स्वच्छंद फिर किसी ने तुम्हारी अग्नि परीक्षा क्यों न ली या फिर स्वयं तुमने मर्यादा की रक्षा हेतु लोक हित में अग्नि परीक्षा क्यों न दी उत्तर दो तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो बहुत धन्यवाद बहुत 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 सुंदर बहुत सुंदर देखिए बस आखिरी दो कविताएं इससे श्रोताओं को राहत भी मिलती है तो एक कविता जो मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि यद्यपि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में निश्चय ही बहुत काम हो रहा है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है और जो ज़रूरत है वो है महिलाओं के आवाज़ उठाने की तो मेरा ये प्रश्न उन सभी महिलाओं से है भले वो आभिजात वर्ग की हैं या किसी भी वर्ग की हैं अगर ये कविता उस सत्य को परिलक्षित कर रही है और एक आईना दिखाने की कोशिश कर रही है तो मैं समझता हूं यह कविता सफल होगी और अगर इसमें आपको लगता है कि नहीं सच नहीं है खास करके महिलाओं से और हमारी महिला कवित्री भी यहां पर मंच पे हैं तो बहुत अच्छी बात है फिर तो निश्चय ही विकास हो रहा है युगों युगों तक हे नारी तुम परित्यक्त रही रौंदी कुचली गई और शोषित हुई मात्र पुरुष की वासना आसक्ति का साधन बनी और महलों में प्रसाधन की तरह सज्जित हुई क्या यही नियति तुमको आज भी स्वीकार्य है तुम चुप क्यों हो आज भी तुम झेल रही हो उसी अत्याचार को भ्रूण में ही मर रही या सह रही व्यभिचार को प्रथाओं के नाम पर हो रहा शोषण तुम्हारा सदियों से है छीन रहा पुरुष ही पोषण तुम्हारा क्या यही अस्तित्व तुमको आज भी स्वीकार्य है तुम चुप क्यों हो आज भी पहचान तेरी अबला के नाम से बहलाई जा रही तुम गृहिणी के मान से दहेज की बलिदी पर आज भी तुम जल रही, का भ्रम पीछे के चल रही। क्या यही पहचान तुमको आज भी स्वीकार है तुम चुप क्यों हो आज भी तुम ग्रसित हो अशिक्षा असमानता से आर्थिक विपन्नता से परंपरागत दासता से बेड़ियों में बंधी हुई हो आज भी श्रृंगार के समझौते तुम कर रही हो आज भी थक हार क्या यही परतंत्रता तुम्हें आज भी स्वीकार्य है तुम चुप क्यों हो बहुत धन्यवाद और अब जैसा मैंने वादा किया है मैं मैं आ, समय की मर्यादा को तोड़ रहा हूं लेकिन आ, हमारे विद्यार्थियों के लिए ये आ, बताना बहुत जरूरी है इसलिए खुशनुमा कल थोड़ा सा रुमानी क्योंकि आपको लगता होगा कि ये तो बहुत ही आ, समाज से बहुत ही परेशान व्यक्ति है तो ऐसा नहीं है <laughs> संजय प्रताप सिंह ने शुरू में परिचय में कहा था कि हम और हमारे सारे दोस्त नाम ले लिए बगैर कि पढ़ाई के अलावा हम लोग कविताएं भी करते थे तो वो कविताओं को आप कविता ना समझें बहुत सारी कविताएं थी जी हाँ तो अपने भूत का खुशनुमा कल तो जो विद्यार्थी हैं और जो विद्यार्थी नहीं भी हैं आप सभी के हृदय को पुरानी यादें बिल्कुल आप याद दिलाएंगी कि अपने गुजरे हुए कल को फिर से वर्तमान में जीना कितना खुशनुमा होता है चाहे वह सुहाने बचपन के दिन हो या फिर जवानी के अल्हड़ अलमस्त बिताए साल वो नीम की छांव तले जेठ की दोपहरी में माँ की हिदायत के बावजूद चुपके से निकल दोस्तों के संग कंचे खेलना जाड़ों में पार्क की बगिया में तितली को पकड़ने की जिद में कीचड़ में गिर जाना सावन में बरगद की लचकदार टहनिया पकड़ झूला झूलना कितना खुशनुमा होता था सबकी नजरें बचाकर मर्तबान से मटरी और लड्डू उड़ाकर दोस्तों के साथ बेसमेंट में पार्टी करना पहले बैटिंग करने के लिए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे सौ अस्सी नब्बे पूर्व सौ की सदियों पुरानी परंपरा को शिद्दत से निभाना कितना खुशनुमा होता था वो साइकिल से गिरकर घुटने छिलवाना बाबूजी की मार से बचने को पहले ही रोने लग जाना वो एक से एक वाहियात बहाने बनाना इम्तहान में अव्वल आने पर एक ट्रॉफ़ी के इनाम पे खुश होकर उछलना कितना खुशनुमा होता था वो नानी के भेजे मलाई के गुझिए वो दादी के बनाए चीनी के पराठे वो माँ के हाथ का लाल मिर्च का अचार वो दादा के लाए हुए आम और लीचियाँ वो पेड़ पर पे चढ़ के अमियाँ खाना वो कुएं से बाल्टी डालकर पानी निकालना कितना खुशनुमा होता था वो कॉलेज में लड़कियों की बातें करके गुदगुदी महसूस करना क्लास में किसी लड़की की ओर ताकते हुए पकड़े जाना किसी लड़की को मन ही मन बेहद चाहना और किसी दिन क्लास में उसके ना आने पर उदास हो जाना कितना खुशनुमा होता था कभी बिना वजह उससे नोट्स की कॉपी लेने के बहाने उसकी उंगली छू लेना और एक मीठी सी सेहरन से भर जाना कितना खुशनुमा होता बात। उस लड़की के पीछे पीछे साइकिल पर मीलों उसके घर तक चले जाना और इस जीत पर दोस्तों में डींग हाँकना उसके लिए सैकड़ों बार अपने मन की बात कागज़ पर लिखना और फाड़ देना कितना रूमानी और खुशनुमा होता था वो कैंटीन के समोसे वो बर्गर कॉर्नर वो पुरानी जलेबी की दुकान वो चाय की टपरी वो कॉलेज कैंटीन की कील चुभती बेंचें कितना अपना लगता है आज भी इन सभी जगहों पर जाकर बीते हुए कल को कुछ पलों के लिए ही सही फिर से जी लेना कितना खुशनुमा होता है क्या आज मोबाइल फेसबुक इंस्टाग्राम पर जीने और स्टारबक्स सबवे में संबंध बनाने वाली पीढ़ी वन नाइट स्टैंड और कुछ डेटिंग फिर ब्रेकअप वाली पीढ़ी भी वन नाइट स्टैंड और कुछ डेटिंग फिर ब्रेकअप वाली पीढ़ी भी अपने गुजरे सालों को इतनी ही खुशनुमा तरीके और रोमानियत से याद करेगी और उन गुज़रे सालों को फिर से जीना चाहेगी या फिर कंधे झटक कर प्रगति की राह पर आगे बढ़ जाएगी मुझे लगता है शायद वो भी अपने गुजरे वक्त को उतनी ही शिद्दत से याद करेंगे और अपने कल के कुछ पलों को वर्तमान में जीना चाहेंगे क्योंकि उनका बचपन और जवानी तो मोबाइल मॉल और फास्ट फूड ज्वाइंट्स में ही गुजरा है फिर भी मन करता है कि काश ये नई पीढ़ी हमारे गुजारे हुए खूबसूरत वक्त की रोमानियत को जाने और महसूस करे उसके लिए शायद हम सबको भी उनकी खुशी और रोमानियत की वजह को समझना और स्वीकार करना होगा बहुत धन्यवाद आप सबका वाह 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 जोरदार तालियां संतोष जी के लिए क्या बात